वहीं नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई और पुलिस के साथ मुठभेड़ में चोरी और लूट करने वाले गिरोह के दो बदमाश घायल हो गए जबकि एक बदमाश मौके से फरार हो गया। पुलिस को इनके पास से एक स्कूटी, दो तमंचे, लूटा हुआ मोबाइल बरामद हुआ है। मामला थाना फेस 3 के परथला चौक के पास का बताया जा रहा, जहां पुलिस चेकिंग अभियान चला रही थी और इस दौरान पुलिस के सामने आ रही स्कूटी को रुकने का इशारा किया। पुलिस के रोकते ही बदमाश भागने लगे और इस दौरान पुलिस ने इनका पीछा करते हुए दो बदमाशों को धर दबोचा है। के पास चेकिंग कर रही थी और आप सभी जानते हैं कि ये जो सर्विस रोड है जो परथला से गौर सिटी की तरफ जाता है, यहाँ लास्ट ईयर गौरव चंडेल जी के साथ जो उनकी हत्या की गई थी, यहाँ परमानेंट पिकेट लगा रखी है हमने। आज पुलिस जब चेकिंग कर रही थी, एक स्कूटी आई और स्कूटी को रोकने की कोशिश की गई। इसका नंबर पहले से प्रकाश में था हमारे पास, क्योंकि 25 दिसंबर को एक लूट की गई थी एक इंजीनियर के साथ, जो भेलोलपुर से FNG आती है जो बीच में कटी हुई है, वहाँ से उनसे मोबाइल और कुछ लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये उनसे लूटे गए थे। उसके ऊपर एक स्कूटी उनके प्रकाश में आई थी, उसका नंबर प्रकाश में आया था। जब आज SHO वहाँ चेकिंग कर रहे थे, ये स्कूटी उनको दिखाई दी, इन्होंने रोकने की कोशिश की गई। ये स्कूटी बड़ी गौर सिटी की तरफ हमारी परमानेंट पिकेट थी, उसको देखते हुए पुस्ता की तरफ उतर गए। इनका पीछा किया गया और इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करी, जो अभी फायरिंग अपने आप को बचाव करते हुए पुलिस ने इनके ऊपर फायरिंग करी, जिसमें से इनके 3 लोग थे स्कूटी के ऊपर, 2 लोगों को गोली लगी और एक लड़का यहाँ से फरार हो गया है। अभी खेतों में आसपास घुस गया है, उसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है, उसको जल्द अरेस्ट किया। सुशांत नागपाल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद हैं। सुशांत, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आ रही है, दो बदमाशों को गिरफ्तार भी किया है पुलिस ने, क्या कुछ जानकारी है? जी बिल्कुल, नोएडा फेस 3 की ये घटना है। नोएडा फेस 3 पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 बदमाश जो पहले एक स्कूटी चोरी के मामले में संघर्ष चल रहे थे, वो वहां से निकलने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास करा, लेकिन स्कूटी पे जो बदमाश सवार थे वे पुलिस को देखते हुए भड़ास में आ गए। उन्होंने पुलिस को तो फिलहाल हमारे सहयोगी से हमारा संपर्क टूट गया है। नोएडा से ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और दो बदमाशों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया है, जिनके पास से तमंचे भी बरामद हुए हैं।